सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे हां हुण तक दी खास सुर्खियां ते। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने म्यूनसीपल भवन चंडीगढ़ में वख-वख विभागों के नवे नियुक्त 252 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वंडे, कहा बिना किसी सिफारिश तो मैरिट के आधार उत्ते दित्तियां जा रहियां ने नौकरियां। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने होमी भाभा कैंसर हस्पताल और रिसर्च सेंटर की आईपीडी का किया उद्घाटन, पंजाब सरकार नाल एमओयू भी किया गया साइन। आरडीएफ के मामले को लेकर पंजाब सरकार एक्शन मोड में आई। पंजाब सरकार ने खड़काया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, अदालत में पटीशन की दायर। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग नू लेके वड्डी खबर आई सामने। 14 जुलाई नू लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पहली दफा के पंजाब सरकार वालों सूबे दे 29,946 नौजवानों सरकारी नौकरियां दित्तियां गईयां ने, जो एक रिकॉर्ड है क्योंकि देश भर में किसी भी सूबा सरकार ने पहले साल में नौजवानों को इन्नियां नौकरियां नहीं दित्तियां ने। म्यूनसीपल भवन में सेहत और परिवार भलाई, बिजली और मेडिकल खोज विभाग में 252 नवे भर्ती हुए नौजवानों नियुक्ति पत्र सौंपण मगरों इकट्ठ को संबोधन करदे मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों को माण महसूस करना चाहिए कि वह सूबा सरकार का हिस्सा बन रहे हैं, जो नवे पंजाब की सिरजना लिए अणथक मेहनत कर रही है। उन्हें कहा कि सूबा सरकार वालों भर्ती मुहिम पूरी तरह मैरिट के आधार पर चलाई जा रही है और सिर्फ योग और लोड़वंद उम्मीदवारों को ही नौकरियां दी जा रही हैं। भगवंत मान ने कहा कि भर्ती निरोल मैरिट के आधार पर की जा रही है, जिस विच ना तो कोई सिफारिश और ना ही कोई तरकीब काम करेगी। 131 PSPCL कलर्क ने, डिपार्टमेंट ऑफ मैडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के स्टाफ नर्सिस ने 48 और 73 फार्मेसी अफसर ने, 12 स्टाफ नर्सा ने, मल्टीपर्पज हैल्थ वर्कर ने, कलर्क ने, सो आयुर्वेदा के भी 33 ने। तुसी इत्थे बैठे सारे, कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके दस दे कि किसी MLA नूं सिफारिश करनी पै गई होवे, जब कोई पैसा एक रुपया भी देना पै गया हो, या साडा नंबर पहला लवा दी, जब साडा मैरिट च ना पवा दी, नहीं लवाना पैना। मैं इन्ना ओपन नहीं पुछ सकदा, इवन तां पुछ सकदा क्योंकि मैनूं पता है, हिम्मत भी उही कर सकदा ना सच बोलने की जिहनूं पता है। सो इस करके असीं ये फैसला किया होया कि जिहड़ा लोड़वंद है ते जिहड़ा उन्हें डिजर्व करता उसे नौकरी मिलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलूगी। मैं 2-3 बारी ये गल दस चुके, अच्छ फिर दस दिना। एक बार इदा ही मैं इसे भवन से कोई 642 अपॉइंटमेंट लैटर से डिपार्टमेंट के किसी के, वो मैं वंडने से, तो समारोह तो 2 दिन पहला जिमें परसों ला लो जी लंघ गई, मैनू मेरे एक MLA का फोन आया, कहते जी 642 बन रहे। मैं हाँ जी, कहते एक जमें अपना मुंडा है। अच्छा जी, मैं वधिया गल है। नहीं नहीं, कहते 5 नंबर से रह गया। मैं अच्छा, फिर कहें 642 जो ना नहीं आया। मैं अच्छा, कहता है जमें ही अपना। मैं अच्छा, फिर हूँ की करिए फिर, कहते भी वो तो फिर है ही जो अपना फिर। मैं अच्छा ठीक है, मैं कदों कहना बगाना है, पर करिए कि हम कहना जो मर्जी करो जी, हम अपना है वो तो किसी होर एक अद्धे कट के 642 पा लो। मैं कह मैं पा लैंना, पर मैं ये दस दो जिन्हें कटा वो की फिर वो नहीं अपना है। वो माँ ने भी तो दुध जो परसों खंड वाला दही खवा के वो भी भेजूगी ना, बीजा पुत नौकरी लेके आ, भैन की शादी करा या कबीलदारी तो चढ़ जूगी। मैं क्या 3.5 करोड़ पंजाब ही अपना है, तुम अपने वाले कह दो अगली बार मेहनत करके 5 नंबर बद लेके अपने आ जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने न्यू चंडीगढ़ स्थित मुलांपुर में होमी भाभा कैंसर हस्पताल और रिसर्च सेंटर की IPD का उद्घाटन किया है। इस मौके उन्होंने हस्पताल की टीम की तारीफ की। इस मौके पंजाब सरकार द्वारा होमी भाभा कैंसर हस्पताल रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ से टाटा मेमोरियल सेंटर नाल MOU साइन किया गया।
इस मौके मुख्यमंत्री ने कहा कि साड़ी सरकार की पूरी कोशिश है कि कैंसर की बीमारी का पंजाब विचों खात्मा करिए। नाल ही साइन हुए एमओयू नाल नौजवानों रोजगार से सिखलाई के साधन पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सेहत खेत्र वाल असी विशेष ध्यान दे रहे हैं ता जो कोई भी व्यक्ति लाइलाज बीमारियों के इलाज पक्षों वांझा ना रह जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि असी पूरे पंजाब 16 मैडिकल हस्पताल खोलने की योजना बनाई है जिन्हां विचों 3 हस्पतालों का काम चल रहा है। जो टाटा ग्रुप का होमी बाबा कैंसर केयर के जिहड़े 2 पंजाब दे विच सेंटर ने अज असी उन्हां चों एक सेंटर दे विच मौजूद हाँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करदा और वेलकम भी करदा डॉक्टर वडवे जो कि वर्ल्ड फेमस ने जिन्हां दे हत्थां दे विच परमात्मा ने एक ऐसी आर्ट दित्ती है जिन्हां कोले इस तरह की सिख्या है कि वह लखां जिंदगियां जिहड़ियां ने उन्हें बचा चुके ने और उन्हां द्वारा मरीज़ नूं चैक कर लेना ही मरीज लिए अद्धा ठीक होने के बराबर मन्या जाता है। सो डॉक्टर वडवे जी वेलकम इन पंजाब, पंजाब की धरती पर स्वागत। इकट्ठे होकर काम करने की एक योजना बना रहे हैं एक ऐसी बीमारी के साथ लड़ने की जिसका गांव में डॉक्टर साहब नाम भी नहीं लेते लोग, इतना खतरनाक माना जाता है कि उसका नाम अपनी जुबान से नहीं लेते। ये कह दिया जाता है कि वो बीमारी हो गई जिसका नाम नहीं लेना। कभी टीबी के बारे में ये कहा जाता था, उस पर हमने कंट्रोल कर लिया है, अब कैंसर के बारे में ये कहा जाता है और ख़ासतौर पे मालवा बेल्ट में जिस बेल्ट से मैं आता हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे। हेपेटाइटिस सी से लेके बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो अपने टेस्ट नहीं करवाते, वो इसीलिए डर के टेस्ट नहीं करवाते कि अगर डायग्नोज हो गया कुछ फिर कहाँ जाएंगे, फिर उनको चिंता लगेगी क्या होगा मेरे मुझे ये है। तो ये स्टिग्मा जो है वो तोड़ना है, उसके लिए टाटा का नाम जब भी किसी भी फील्ड में आता है, चाहे इंडस्ट्री में आ जाए, चाहे वो एयरलाइन में आ जाए, चाहे वो मेडिकल साइंसेज में आ जाए, तो टाटा के साथ बिजनेस के साथ साथ टाटा के साथ देशभक्ति भी जुड़ती है कि ये टाटा वाले लोग हैं ये कर लेंगे, हर एक को यकीन है कि इनके पास आ गया तो कुछ भी कर लेंगे ये। 16 मेडिकल कॉलेज हमारे हमने प्लान करके हैं जिसमें मेरे अफसर बैठे हैं, 3 का काम चल रहा है, होशियारपुर, कपूरथला, मलेरकोटला। संगरूर वाला का थोड़ा ज़मीन का कोई डिस्प्यूट था, वो अभी आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। 16 मेडिकल कॉलेज हम बनाना चाहते हैं और ये इसको मेडिकल हब कह लो, मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत से NRI जो हैं वो यहाँ इलाज कराने आते हैं लेकिन वो साउथ इंडिया में ज़्यादा जाते हैं, हैदराबाद या चेन्नई वगैरह। तो यहाँ पे हम उनको अगर उनका इलाज कर सके तो घर पे होगा इलाज, उनके रिश्तेदार उनके दोस्त मित्र यहीं पे हैं। तो दूसरा मेरे पास ये आइडिया तब आया था जब यूक्रेन से 350 बच्चों को हमको लाना पड़ा निकाल के, जान का खतरा हो गया था, 350 सिर्फ पंजाब के थे। तो मैंने कहा जी आप वहाँ पढ़ने जा रहे हो जो कंट्री अभी 25 साल पहले आज़ाद हुआ है, हम 75 साल के हो गए। तो कहते जी यहाँ पे महंगा है, वहाँ जो काम मतलब 1.5 करोड़ में हो रहा है, यहाँ पे यहाँ 25 करोड़ में हो रहा है। तो इसीलिए हमने ये फैसला किया कि हमारे बच्चे यहीं MBBS करें, सर्विस जहाँ मर्जी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी हम कंडीशन नहीं लगाने वाले, लेकिन यहाँ से पढ़े और दुनिया में जब सर्टिफिकेट दिखाएं कहाँ से MBBS है, पंजाब से। पंजाब मीन्स क्वालिटी, पंजाब मीन्स खालस, शुद्ध, रियल। तो पंजाब हमेशा लीड करता रहा है देश को। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में अपनी रिहायश विखे भारत में जर्मन के एंबेसडर डॉक्टर फिलिप एकरमैन नाल मुलाकात की ते कई अहम मामलों को लेकर चर्चा की। पंजाब में जर्मनी दी कंपनियों वालों किए जा रहे निवेश बारे भी गलबात की गई, तो ही सिक्ख्या खेत्र को लेकर अहम विचार हुई।
इस मौके खास तौर उत्ते नौजवानों स्किल सिक्ख्या उत्ते जोर देने ते चर्चा हुई है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग नूं लैके वड्डी खबर सामने आई है। इसरो वल्लों ट्वीट करके दस्सिया गया कि 14 जुलाई नूं चंद्रयान 3 नूं लॉन्च किया जाएगा। इसरो श्री हरिकोटा तो 14 जुलाई नूं दोपहर तकरीबन 2:35 से मिशन चंद्रयान 3 नूं लॉन्च करेगा। इसरो मुखी सोमनाथ ने दस्सिया कि चंद्रयान 3 मिशन तहत इसरो 23 अगस्त या 24 अगस्त नूं चंद्रमा उत्ते सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक होर ऐलान करते हुए कहा कि 45 से 60 साल की उम्र के अणविहे पुरुषों और महिलाओं को 2750 रुपये महीना पेनशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पेनशन का लाभ उन्होंने लोगों को दिया जाएगा जिसकी सालाना आमदन 1,80,000 रुपये तो घट है। मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के तहत दूजी श्रेणी में 40 से 60 साल की उम्र के विधुर को भी शामिल किया गया जिन्हों की सालाना आमदन 3,00,000 रुपये तो घट होगी। अजिहे सारे लोगों को भी 2750 रुपये की पेनशन का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस पेंशन योजना तो लगभग 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा तो इस तो सालाना 240 करोड़ रुपए का वध बोझ सरकार से पवेगा। जो अनमैरिड लोग हैं चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो 45 साल से लेकर 60 साल तक यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम 45 उसके बाद मंथली पेंशन का 2,750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपए तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो 45 से 60 की 2750 रुपए की पेंशन उनको मिला करेगी। पुरुष जो विदुर हो जाता है जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को 3,00,000 रुपया अगर उससे इनकम कम है जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक इनको भी वर्तमान 2,750 रुपए की दर से पेंशन मिला करेगी। श्रोमणी अकाली दल ने अज तजवीजशुदा सांझे सिविल कोड UCC उत्ते विचार वटांदरे लिए ते केस तैयार करके कानून कमिशन नूं सौंपण वास्ते सब कमेटी का गठन किया है। इस बाबत फैसला अज पार्टी के हलका इंचार्जा ते जिला प्रधानों की हुई मीटिंग विच लिया गया जिसकी प्रधानगी श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने की। 4 मैंबरी सब कमेटी विच प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा महेश इंदर सिंह गरेवाल सिकंदर सिंह मलूका और डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा नूं शामिल किया गया। कमेटी नूं संविधानिक माहरां बुद्धिजीवियों ते सिख कौम दे आगुआं नाल सलाह मशवरा करन दी जिम्मेवारी सौंपी गई है। अज साडे सारे जिहड़े पंजाब दे वख-वख जिलिआं दे प्रधान साहिबां और सारे असैंबली हलकिआं दे जिहड़े इंचार्ज आ उन्होंने सारे की सांझी मीटिंग जी है साढ़े प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब की प्रधानगी हेठ हुई है जिदे सब तो पहला तो जरा इस वे देश के दे बड़ा भखदा मुद्दा है यूनिफार्म सिविल कोड का ओदे उत्ते गंभीरता दे नाल विचार चर्चा हुई है सारे दे विचार ले गए हैं और एक 4 मैंबरी कमेटी जिहड़ी है वह श्रोमणी अकाली दल की तरफों जिहड़ा इस विषय के उत्ते केस तैयार करने वास्ते जिहड़ी ला कमीशन नूं असीं रिप्रेजेंटेशन पार्टी वल्लों देनी है वह जिहड़ी आ नियत की गई है जिहड़ी सारे पक्षां तों यूनिफार्म सिविल कोड का मुद्दा जिहड़ा स्टडी करके जिहड़ा पार्टी का श्रोमणी अकाली दल का पक्ष है वह ला कमीशन नूं देगी। ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਥੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਟੀ ਦੇ SDM ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ SDM ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਨਸੈਸਰਲੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
संगरूर दे स्कूल दे एक अध्यापका वालों अपनी क्लास के विद्यार्थियों तो पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगवाने के मामले में उसनों अजिहा करना महंगा पै गया। दरअसल विद्यार्थियों तो पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगवाने कारण अध्यापकों कारण दसो नोटिस जारी होया। मिली जानकारी मुताबिक डायरैक्टर स्कूल एजुकेशन अध्यापका के खिलाफ नोटिस जारी कर चुके हैं, जिस विच उस कोलों अजिहा करन ते जवाब मंगया गया। प्राइमरी जिला सिक्ख्या अधिकारी ने कहा कि अध्यापका मनप्रीत कौर स्कूल समय दौरान चलती क्लास में सोशल मीडिया उत्ते लाइव होकर सरकार खिलाफ बयानबाजी और नारेबाजी करते हुए विद्यार्थियों सरकार खिलाफ भड़काते नजर आए हैं, जो आत निंदन योग ते मंदभाग है। इस कार्रवाई नाल सिक्ख्या विभाग के अफसर ठेस पहुँचाई गई है। उन्हें कहा कि इस मामले में विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मैनू कल ही पता लग्या ये वीडियो बन के स्कूल दे विचों गया कि साढ़े जिले के स्कूल दे विच अध्यापका हैगी आ सिक्ख्या वाले प्रोवाइडर मैडम मनप्रीत कौर, इन्हां ने मानयोग सरकार के विरोध के विच एक धरना लाया सीगा। उस दौरान ये गए सी, उन्होंने उत्थों आन के बच्चों नाल इत्थे वो धरने बारे दस्या। उस बारे जो मैं वीडियो देखिया वो नहीं होना चाहिए सी, मैडम नू स्कूल विभाग के बच्चों के नाल नहीं साझा करना चाहिए सी। ये बड़ी माड़ी तो सिक्ख्या विभाग के अंश से माड़ा असर पाउंदी गल। हुण असी इस मैडम प्रति जो भी विभागी कार्रवाई बनती आ हैड ऑफिस नाल तालमेल करके उस दे उपर बनती अनुशासनी कार्रवाई करांगे ते उहदी असी रिपोर्ट विभाग नूं भेज दांगे। गढ़ शंकर तो हलका इंचार्ज निमशा मेहता ने पिंड पालेवाल विच बरसात कारण छप्पड़ दे पानी दे घरां ते गलियां विच दाखल होण नाल पिंड वासी नूं आ रही परेशानी दा खुद पिंड विच घूम के जायजा लिया। निमशा मेहता ने पत्रकार नाल गलबात करदे कहा कि छप्पड़ दा पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरां विच वड़ रहा है ते लोग परेशान ने। उन्हें कहा कि इस समस्या का जल्द हल कढ़िया जावे। देखो जी, असी पालेवाल पिंड दे विच जिहड़ा खड़े हैं ते उत्थे हर साल दो कणियां मीह पै जावे तां लोकां दा अपने घरां दे विच वड़ना मुश्किल हो जांदा, क्योंकि छप्पड़ जिहड़ा है ये बहुत बुरी तरह भरिया होया और सारियां गलियां दे विच तुसीं देख सकदे इस तरीके दे नाल पानी आ जांदा। आ लोकां दा जिहड़ा सुधार करन दी लोड़ है। अज लोकी जिहड़े है उन्हां ने तुसीं देख सकदे आ किस तरह दे आ जिहड़े बूट खरीदे होए है, अज ओ लेडीज़ साडियां जिहड़ियां लै के और बंदे लैण नूं मजबूर है भाई, जिहड़ा घरां दे विचों जे दो किणियां पानी पै जावे। और वैसे भी मैं देखिया गलियां जिहड़ियां इन्हां दे विच पानी परमानेंट कड़ा ही रहिंदा। और होशियारपुर के कस्बा चब्बेवाल के पिंड जंडोली के दो नौजवान भेत भरे हालात में लहू लहान हुए रस्ते में मिले। दोवां विचों बेकरम सिंह नामी नौजवान की मौत हो गई, जबकि दूजे नौजवान की हालत गंभीर सी जिसनों हस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतक नौजवान के पिता ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उनके लड़के की मौत सड़क हादसे में हुई है। उन्हें कहा कि इस मामले की जांच गंभीरता नाल की जाए। थाना सिटी धूरी की पुलिस ने मोबाइल पर्स खोहण ते चोरी करने वाले चार व्यक्तियों काबू किया। इस संबंधी जानकारी दिंदे डीएसपी धूरी करण सिंह संधू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा कि थाना सिटी धूरी की पुलिस वालों वख-वख वारदातों संबंधी स्नैचर ते चोरों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें कहा कि मुलजमान कोलों एक ई रिक्शा, एक मोटरसाइकिल, दो खोए मोबाइल फोन और दो पर्स बरामद किए गए हैं। उन्हें कहा कि दोषियों के खिलाफ बनती कार्रवाई अमल में लिया जा रही है। उहदे च एक तां दो मुकदमे ने जिहड़े स्नैचिंग दे ट्रेस कीते ने, एक वीडियो वायरल हो रही सी काफ़ी ब्रह्मा कुमारीज तो इधर डबल फाटकां दे कोलों जिहड़ा एक पर्स खोया सी किसी ने, वह असीं 24 घंटे अंदर अंदर ही दोषियों आटो वाले ने, हाँ जी हाँ जी ई रिक्शा वाले ने, वो 24 घंटे के अंदर अंदर ही दोषियों नूं ट्रेस करके उन्होंने गिरफ़्तार करके जिहड़ा माल जिहड़ा बरामद करवा लिया। एक पर्स ते उहदे च कुछ पैसे सीगे ते उन्हां दे कुछ डॉक्यूमेंट सीगे। उह दो दोषी उह च गिरफ़्तार कीते, अमन कुमार उर्फ अमनी ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਕਾਕੂ, ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆ ਪਿੰਡ ਭੱਦਲਵੱਡ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਧੂਰੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਹ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਧੂਰੀ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 82 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਜਣਿਆਂ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਰਡਵਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਦੋਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ।
इस तो अलावा शेरपुर थाने जो मोटरसाइकिल चोर वो दोषी वह गिरफ़्तार किए हैं। उन्होंने दो वारदातों का एक तो मोटरसाइकिल असी रिकवर कर लिया तो दो वारदातों होर मने ने वो अज असी रिकवर कर लाँगे। एक एक्टिवा चोरी है तो एक मोटरसाइकिल होर हैगा। इस तो अलावा ये जो सारे दोषी ने चोर ने या स्नैचर ने इन तो ढंगाई नाल पुछगिछ करके होर भी वारदातों संभावना भी इन्हों की शमूलीयत सामने आऊगी तो साड़ी होर वारदातों जो पिछे हुई ट्रेस होंगी। पंजाब भर में मौसम का मिजाज बदलने नाल मीह पै रहा है तो ज़्यादातर थावां उत्ते झोने की लवाई कर रहे किसानों ने आपो अपने ट्यूबवैलां बंद करके धरती हेठले पानी की बचत नूं तरजीह दिती है, पर फिर भी कुछ किसान अजिहे ने जो लापरवाही वरत के धरती हेठले पानी की बर्बादी कर रहे हैं। इस संबंधी एक वीडियो झवालकोट तो सामने आई है जो एक किसान ने बनाई है तो उस विच वेख्या जा सकता है कि मीह का पानी खड़न के बावजूद किसान वालों मोटर चला के पानी की बर्बादी की जा रही है। इस वीडियो में शेयर करदे PSPCL ने किसानों को अपील की है कि लोड़ मुताबिक ही ट्यूबवैल चलाउण ते धरती हेठले पानी की बर्बादी ना करन। ये पिंड झवाल खुरद दी आ, आ वेखो जल थल होई आ चार छपेरे, ये कोई दरिया नहीं आ, ये जमीन आ झवाल खुरद दी, झवाल खुरद दी जमीन आ। ते इत्थे हास होणी जिहड़ी गल मैं तुहानूं विखाउण लगा, आ वेखो मोटर चलदी, पानी किन्ना वा तो मोटर फिर भी चल रही है। तो ये जो साढ़े पंजाब की बर्बादी का एक दृश्य विखाउण डिया तुहानूं, सोचो झोने दीदे नहीं आ, चार चार फुट पानी है पैलियाँ सारा, वेखो जितों तक भी निगाह मारोगे तुहानूं पानी पानी दिसूगा। वाह वे साढ़े पंजाब के किसानों, धन्नवाद है तुहाडा, तगड़े हो गए, करो जिन्ने लीटर फूकया जाता फूको। तो ये वेख लो जी, मैं यो विखा आया तुहाडे नाल चेचा पानी दे विच दी लंघ के, भी ये पंजाब दी ना जिहड़ी है बर्बादी का मंजर आ। एक एक तुबका पानी का अं बना नहीं सकते, पर वेखो साडिया लापरवाहियां। पर मैं मैसेज देना वा पानी का, आने वाले समय से पानी कितों पीना, तो वह करके जड़ा ये वीडियो बना के तुहाडे नाल सांझी करन दिया वा। पिंड झवाल खुरद दे एक खेत आ, खेतों का दृश्य आ जिथे पानी पानी आया बरसात ना, चार छपेरे पानी आ, पर मोटर फिर भी चलन दी आ। होशियारपुर तो चंडीगढ़ मुख मार्ग उत्ते अड्डा जैतपुर विखे दो कारां ते इक मोटरसाइकिल दे आमो सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे विच मोटरसाइकिल सवार निहंग सिंह दी मौके ते मौत हो गई। प्राप्त जानकारी अनुसार मरण वाले दी पहचान निहंग सिंह जगजीत सिंह वजों हुई है, जो पिंड नंगल खिडारियां तो अपने पिंड सलेमपुर नूं जा रहा सी। जदों पिंड जैतपुर कोल सड़क उत्ते चढ़न लग्या तां दो कारां दी लपेट विच आ गया, जिस नाल उसदी मौके ते मौत हो गई। पुलिस ने मौके ते पहुंच के मामले दी जांच शुरू कर दित्ती है। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन अज लिए इन्ना ही, जाते नज़र मारदे मौसम के हाल से, तुसी बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी के नाल। धन्यवाद।